आप EMRS वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो उसके बारे में हम अपडेट लेकर आए हैं। इससे पहले हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आए थे जिसमें कि हमने टेंटेटिव वैकेंसी की बात की थी कि कितनी टेंटेटिव वैकेंसी जो है EMRS के पास हैं और EMRS की वैकेंसी आने की कितने चांसेस हैं, ये उनके ऑफिशियल नोटिस से आपको आज देखने को मिल जाएगा। तो वैकेंसी आने वाली है ये फॉर श्योरिटी है, और कितनी आने वाली है वो भी हम एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नया नोटिस आया है आज का, आप डेट देख सकते हैं 5th of November 2024 का नोटिस है। इसी के बारे में देखेंगे कि क्या कहा गया है इस नोटिस में। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक अगर आपने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पर अगर हम अपनी डिटेल शेयर करना चाहते हैं, अगर आप EMRS प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में ऐड होने के लिए आप अपना नाम शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम संजय तो संजय लिखेंगे, उसके बाद सिटी जैसे दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, और उसके बाद आप एग्जाम लिखेंगे। अगर EMRS प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो EMRS, KVS है तो KVS, NVS है तो फिर NVS आप जो लिखेंगे। तो स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। और साथ ही साथ अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो पहले आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं जो आपको कोरियर के माध्यम से डिलीवर किए जाते हैं। तो अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी ऐप दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड और आईफोन। इसके बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे, यानी कि इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे EMRS का आप देख रहे हैं 10 बुक का सेट है। इसी तरीके से आपको जो है NVS, KVS सबके जो है नोट्स अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी EMRS की वेबसाइट जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती है EMRS के बारे में। और इसी के रिलेटेड जो है एक नोटिस आया है, और ये नोटिस आया है कब, आज यानी कि 5th of November 2024 का आपको जो ये नोटिस है वो आपको ये यहां पर देखने को मिल जाएगा कि 5th November का ये नोटिस है आपको यहां पर है, ठीक है। सो यहां पर क्या है, टू द प्रिंसिपल, ये हमारे सभी प्रिंसिपल के लिए नोटिस है। और वर्चुअल मीटिंग स्केड्यूल एट 3 PM ऑन 6th November 2024। तो 6 नवंबर को 3 PM पर एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई है, और वो किस लिए है वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। विद प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल EMRS इन कनेक्शन विद असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाली है उसके लिए टेंटेटिव वैकेंसी का असेसमेंट करना है कि कितनी टोटल वैकेंसी है किन स्कूल्स में, उसके बारे में ये वर्चुअल मीटिंग रखी गई है जो कि कल की डेट में है, 3 o'clock है यानी कि शाम के 3 बजे है। और इसमें जो है डिस्कस किया जाएगा कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है, ताकि जो नई वैकेंसी हमारे पास आने वाली है उसके बारे में पूरी अपडेट मिल जाए कि कहां कहां पर कितनी वैकेंसी आएंगी। हालांकि वैकेंसी हमें टेंटेटिव पता ही है, फिर भी स्कूल्स में कहां पर क्या है, किस लोकेशन पर कौन सी वैकेंसी है, उसकी पूरी अपडेट यहां पर मिल जाएगी। तो वर्चुअल मीटिंग के रिगार्डिंग हमने देख लिया। सो काइंडली रेफर टू द डिस्कशन हेल्ड ड्यूरिंग द EMRS प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव एट दिल्ली रिगार्डिंग द सब्जेक्ट साइटेड अबव इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द वैकेंसी पोजिशन फॉर द सेशन एंड आल्सो टू प्रोजेक्ट द वैकेंसी ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ EMRS ए वर्चुअल मीटिंग इज स्केड्यूल एट 3 PM ऑन 6 नवंबर। तो 6 नवंबर को एक वर्चुअल मीटिंग है, किसके साथ है, उसमें सभी प्रिंसिपल्स हिस्सा लेंगे, साथ ही जो ऑफिस इंचार्ज है EMRS के वो इसका पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑफिस इंचार्ज टू अटेंड द मीटिंग विदाउट द फेल। तो बिना किसी के हुए ये मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है। तो जिसमें नए जो वैकेंसी आने वाली है EMRS की उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी, एक वैकेंसी का पूरा अपडेट मिल जाएगा कि कहां पर कितनी वैकेंसी है, और उसके बाद जो वैकेंसी है वो यहां पर अनाउंस कर दी जाएंगी। जल्दी ही आपको EMRS की अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपके पास जब हम बात कर रहे हैं वैकेंसी, तो यहां पर हम सभी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग वैकेंसी हो, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, PGT, PRT, TGT, ठीक है, इस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। साथ ही हम नॉन टीचिंग, जैसे कि आपकी पिछली बार भी आई थी, अकाउंटेंट है, लैब अटेंडेंट है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, JSA है, तो ये सारी वैकेंसी आपको जो है देखने को मिल जाएंगे।
सो ये मीटिंग जो है 2:30 to 2:45 तक जो है बिना किसी डिले के अटेंड करनी है। ज्वाइंट कमिश्नर का आप सील देख सकते हैं, 5th of November की है और इसकी कॉपी नोडल ऑफिसर को भी भेज दी गई है। तो ये थी पूरी अपडेट आप लोग के लिए, जो जानना जरूरी था कि एमआरएस की वैकेंसी के बारे में क्या अपडेट चल रही है, तो वो हमने ऑफिशियल अपडेट आप लोग के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम दिव्य है तो आप दिव्या लिखेंगे, स्पेस देके दिल्ली, अगर आपकी सिटी दिल्ली है, और उसके बाद ईएमआरएस प्रिंसिपल, अगर आप ईएमआरएस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ जो है आप हमारे फेसबुक ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐप डाउनलोड करनी होगी, अगेन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं, अगर आप ईएमआरएस के अलावा एनवीएस की तैयारी करें, क्योंकि एनवीएस का आपको पता है केएलटीसी का एग्जाम कभी भी हो सकता है, और उसके साथ साथ ओपन रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एनवीएस का एनटीए जो एजेंसी है वो चेंज हो गई है, इसीलिए। तो एनवीएस का नोट्स अवेलेबल है जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। इसी तरीके से केवीएस की बात करें तो केवीएस भी अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इसकी वैकेंसी भी कभी भी अनाउंस हो सकती है। और ईएमआरएस के लिए मैंने आपको अपडेट बता दी है, तो ईएमआरएस के लिए भी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली प्रिंसिपल यानी कि डीओई की तरफ से जो वैकेंसी आती है, यूपीएससी जिसको रिक्रूट करती है, वो यूपीएससी प्रिंसिपल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यूकेपीएससी का अभी हाल ही में आया था जिस पर अपडेट अभी चल रही है, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं, जहां पर आपके सेंट्रल सिविल रूल्स आते हैं या फिर सेंट्रल या स्टेट लेवल की प्रिंसिपल की वैकेंसी है, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108, हमारा एकमात्र यही हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉन्टेक्ट करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी, नोट्स आपको कोरियर के माध्यम से भेजे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें कोर्स की, तो कोर्स के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जो है आईफोन और एंड्रॉइड जो भी आपका मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा कोर्सेज का, और कोर्सेज में आप जो है टाइप करेंगे ईएमआरएस, तो आपके पास ईएमआरएस के सभी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो आप चाहें तो आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे ही वैकेंसी आएगी इस रिकॉर्डेड बैच से आप मूव हो सकते हैं लाइव बैच में, तब तक आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए और अपना सिलेक्शन जो है पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।